वेल, किसका लेटर पढ़ करण कुंद्रा हुए सुपर इमोशनल और उन्होंने कह दी ये प्यारी सी लेकिन बड़ी बात। बताते हुए आपको इस वीडियो में, आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त विदांगी करने। वेल, एक फैन है जिन्होंने करण के लिए एक प्यारा सा लेटर लिखा है और वो कहती है कि मुझे पता है कि आपको थ्रेड्स बड़े बड़े जो है ट्वीट्स के वो पढ़ना पसंद नहीं है, आप शायद काफ़ी लेजी हो, लेकिन मैंने सोचा मेरा मैसेज अगर आपको तक पहुंचाना है तो चलो आपके लिए एक लेटर ही भेज देती हूँ, पढ़ लेना ठीक है। और ऐसे कह के वो करण कुंद्रा को टैग करती है, कहती है छोटू सा ही है, ऑल्सो लॉट्स ऑफ लव टू मीनू दीदी, मिस हर वाइब हियर। वो काफ़ी सुपर स्ट्रांग है, सुपर चिल है एंड इफ़ आई डेयर से समटाइम्स इवन मोर देन यू। तो आपसे भी कई ज़्यादा स्ट्रांग एंड चिल पर्सन आपकी मीनू दी है। और लेटर में उन्होंने क्या कुछ चीज़ें कही है, वो कहती है कि बिग बॉस के एक्सपीरियंस के बाद आपका फिर एक बार असली दुनिया में स्वागत है एंड काफ़ी सोशल मीडिया पे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बातचीत हो रही है और हमें नहीं पता था कि आप इतने अमेजिंग हो और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इतने ओपन हो। एंड जैसे आपने कहा था, बिग बॉस गिव्स यू वो प्यार जो 13 ईयर ओल्ड करियर जो है आपको इतना नहीं दे पाता, और उतना प्यार आपको बिग बॉस में मिल जाता है फैंस से, अपनी फैंडम से, और वो सच में ट्रू है। आपने हर छोटी छोटी चीज़ जो की है काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ बनी है, कुछ लोगों ने आपके खिलाफ उसे यूज़ किया है तो कुछ लोगों ने आपके साथ, कोई लोग आपसे नफरत करते थे तो कोई लोग आपसे प्यार करते थे, मोस्ट ऑफ द लोग केयर नहीं करते थे और बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, लेकिन ये एक नेवर एंडिंग सागा ऑफ टॉक्सिसिटी बन गया था जहाँ पे लोग आपके बारे में नेगेटिविटी फैला रहे थे। लेकिन मैं आपसे उन सभी लोगों के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ फॉर ऑल द हेट, मॉकरी एंड नेम कॉलिंग जो आपको सब्जेक्ट किया गया, लेकिन आपने किसी भी चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया। डोंट एक्सपेक्ट द एक्सेप्टेंस एम्पथी दैट यू शो टू पीपल स्पेशली हियर। मीनू दी और आपकी बहुत सारे फ्रेंड्स ने बहुत सारी चीज़ें बिग बॉस के दौरान झेली है। मीनू दीदी ने कहा भी था कि प्यार भी है, सो उन्होंने प्यार को देखना सही समझा एंड आई होप आप भी प्यार को ही देख रहे हो। लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड योर अनफिल्टर्ड सेल्फ, लव टू एवरीवन एट होम एंड पीएस वेटिंग फॉर दिल ही तो है ना को। इस तरीके से उन्होंने करण के लिए काफ़ी प्यारा सा, इमोशनल सा और एक लव भरा लेटर लिखा था, जिसके ऊपर करण कुंद्रा जो है उन्हें रिप्लाई करते हुए कहते हैं इट्स ऑल अबाउट लव, और इस तरीके से हार्ट वाली इमोजी जो है उन्हें वो देते हैं, जिसके बाद वो फैन ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू आपने पढ़ा, एक्नॉलेज किया एंड यस ये प्यार के बारे में है एंड इट्स लव दैट मेड मी रीच यू। और बहुत सारे हमारे आपके स्क्वाड के लोग हम हैं जो हमेशा मेक श्योर करते हैं कि आपको प्यार मिले एंड बहुत सारा प्यार मिले, और इसीलिए हम आपको टैग करते रहते हैं ताकि आपको अच्छा फील हो सके। इस तरीके के रिप्लाई जो है वो फैन करण को फिर एक बार करती, तो करण काफ़ी इमोशनल हुए आफ्टर रीडिंग द लेटर और उन्होंने कहा इट्स ऑल अबाउट लव और हार्ट वाले इमोशन उन्होंने इस फैन को दी। इसके ऊपर आपका क्या है रिएक्शन, क्या कुछ आप कहना चाहते हो, जिस तरीके से करण ज़्यादातर प्रयास करते हैं अपनी ओर से पूरा कि उनके फैंस जो उन तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उन्हें एक्नॉलेज करते हैं, उन्हें रिप्लाई करते हैं, तो फैंस को भी डेफिनेटली अच्छा लगता है। क्या आपके भी किसी फ़ैन ट्वीट को करण कुंद्रा ने रिप्लाई किया है और क्या कुछ कहना चाहते हो करण के इस प्यारे से बिहेवियर के बारे में, जहाँ पे वो हर एक को एक्नॉलेज करते हैं, जितने हो सके उतने लोगों को एक्नॉलेज करते हैं, इफ़ नॉट ऑल। व्हाट्स योर टेक ऑन इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टेक केयर।